नमस्ते एंड हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रिमोट कंट्रोल होल्डर। तो ये मैं यहाँ पे इसको एज ए रिमोट कंट्रोल होल्डर यूज़ कर रही हूँ, पर आप इसको अपनी पसंद से कैसे भी और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किचन में भी एज ए स्पून होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल पर भी कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर का खाली डिब्बा लिया हुआ है और मैं यहाँ पे ऑयल पेंट यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बर्जर का ऑयल पेंट लिया हुआ है और अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए आपको कम से कम इसके ऊपर 2 से 3 बार कोटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद इसको 24 आवर्स तक सूखने देना है और अच्छी तरह से सूखने के बाद ही इसके ऊपर दूसरा पेंट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो है वो 24 आवर्स तक सूख गया है और सूखने के बाद अभी हम इस पर दूसरा पेंट करना स्टार्ट करेंगे। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे फ्री स्टाइल से ही फ्लावर्स बना रही हूँ। नीचे का जो ऑरेंज कलर है इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल पेंट लिया हुआ है, क्योंकि ऑयल पेंट से जो है वो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। हाँ, आपको इसकी 2 से 3 बार कोटिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ऊपर का जो ये पेंटिंग कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। हमको जितने भी फ्लावर्स बनाने हैं उसके हम सबसे पहले ग्रीन कलर से डॉट बना लेंगे। मैं यहाँ पे वाइट और येलो दोनों मिक्स कलर के फ्लावर्स बना रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी डिज़ाइंस पसंद कर सकते हैं और अपनी पसंद के कोई भी कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे फ्लावर्स बनके रेडी हो गए हैं और इन सबको जोड़ती हुई मैंने ब्लैक कलर से लाइंस भी बना दी है। और अभी हम यहाँ पे लीफ बना रहे हैं। लीफ के लिए मैंने यहाँ पे ये डार्क ग्रीन कलर लिया हुआ है। इसमें आप येलो कलर भी ले सकते हैं, पैरोट ग्रीन कलर भी ले सकते हैं, कोई भी अपनी पसंद का कलर ले सकता है। पर यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर जो है वो ग्रीन कलर ज़्यादा खिल के आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पे भी खाली जगह दिख रही है और ये लाइंस के जो कॉर्नर है उन सारी जगहों पे मैं लीफ बना दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे लीफ बनके रेडी हो गए हैं। और अभी हमारे ये जो फ्लावर्स है वो ज़्यादा खिल के आए, ज़्यादा उभर के आए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 0 नंबर का ब्रश लिया हुआ है और इसमें मैं रेड कलर लेके इनके ऊपर छोटी छोटी सी और पतली पतली सी लाइंस बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने येल्लो और वाइट दोनों ही फ्लावर्स पे रेड कलर से लाइंस बनाई है। इससे इनकी फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी आ रही है और दिखने में भी ये ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसे ही सारे फ्लावर्स पर हम ऐसे लाइंस बना देंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी जो लाइंस है वो रेडी हो गई है। इसी तरह से हम सारे लीफ पे भी येलो कलर से ऐसे लाइंस बना देंगे। इससे ये लीफ जो है वो शेडिंग में लग रहे हैं और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सारे ही लीफ पे हम ऐसा कर देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है और बनने के बाद ये और भी सुंदर लग रहा है। मैं इसको यहाँ पे एज अ रिमोट कंट्रोल होल्डर यूज़ करूँगी, पर आप अपनी पसंद से इसको कैसे भी और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इसको बनाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना, मैं उसको अपनी स्टोरी में ज़रूर डालूँगी। मेरी आईडी है शिल्पाश क्रिएशन। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए
और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।